गाइज फाइनली हमने चश्मे ले लिए हैं, और वैसे हमें तो कोई और भी पसंद आ गई थी, पर उसको हम कैसे लें। अबे साले व्हाट्स अप पीपल, क्या चल, इट्स मी मेडी ब्रो, सभी को फिर से एक बार स्वागत है कहता है जल्ले पावर से भरपूर ब्रांड न्यू व्लॉग में। हाँ जी, तो दोस्तों आज का सीन कुछ जैसे कि आज हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा मेले वाला सीन। यस, मेले वाला सीन दिखाने आपको हम लेके जाएंगे पानी खड़क। और आज हम मेले में अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ आएंगे मिस्टर देव। लेट्स गो मिस्टर देव। चल चल दोस्तों, वैसे हम तो दो ही लोग जा रहे थे, पर यहाँ पर हमें तीन और बंदे मिल चुके हैं जो भी चर्चा कर रहे हैं आने की। अब देखते हैं ये आते हैं या हमें चूरन देते हैं। ओके आधे रास्ते तक हम पहुंच चुके, पर आधे रास्ते के बाद इतना मजबूत सीन आ रहा है ना कि क्या बोले। अब बस सीन्स चेक कीजिए। तो गाइस हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि आज आधी पब्लिक कम हो जाएगी, मतलब आधी दुकान हट जाएगी। तो अब देखते हैं हमें कितनी दुकानें देखने को मिलती है। ओके, आप देख सकते हैं ये कुछ दुकानें तो जाने भी लगती है। दोस्तों फाइनली हम लोग हमारे लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, बाइक को हमने कर दिया है पार्क, मिस्टर देव बैठ चुके हैं बाइक पर, और अब आपको सीन देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो दोस्तों आधी से ज्यादा दुकानें उठ चुकी है। अब आगे पता चलेगा कि क्या है सीन। अगर आगे भी ऐसा ही सीन रहा ना तो हमारा कट गया ऐसा समझ लो। देख सकते हो आप, यहाँ पर भी दुकानें उठने लग चुकी हैं, यहाँ पर भी दुकानें उठने लग चुकी है, हर तरफ उठने वाला सीन। एक दो दुकानें हैं जिनके पास लाइट की सुविधा है। आधी दुकानें तो खत्म हो चुकी है, आधी दुकानें उठ के चली गई, पर आधी दुकानें अभी भी हैं, तो आपको मेले वाला सीन देखने को मिलेगा। हाँ, मिलेगा गाइस। फाइनली हमने चश्मे ले लिए हैं, और वैसे हमें तो कोई और भी पसंद आ गई थी, पर उसको हम कैसे लें, मतलब चीज। ओके, कुछ और मत समझो। दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ अलग सा ही देखने को मिला है जो आज हम ट्राई करेंगे। मिस्टर देव बोल रहे हैं कि बहुत मस्त लगता है, तो हम लेंगे दोस्तों और ट्राई करेंगे। हले एकदम सादा लग रहा है दोस्तों, एकदम टेस्टी वाला तो नहीं पर है। मिस्टर देव ने हमें धोखा दे दिया दोस्तों, बहुत टेस्टी लगता है ऐसे बोला है, पर ये अब देखो धोखेबाज मिस्टर देव, पर पैसे भी इसके ही गए हैं। देवली धोखेबाज। हाँ जी तो दोस्तों अब जो हमने खा के आपको दिखाया वो राम जी ने वनवास के टाइम पर खाया था, ऐसे बोलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बंदे मिल चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर घड़ियां ली जा रही है। हाँ जी, तो दोस्तों ऐसे ही करण कुमार ने मस्त से घड़ी ले ली, और मेले वाला सीन इतना सा ही था। ओके, क्योंकि ज्यादा सीन था ही नहीं मेले वाला, आधा मेला तो खत्म हो चुका था, आधा मेला हमने आपको दिखा दिया है कि कैसा सीन था। बट नेक्स्ट व्लॉग हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा लंबा रखने की, थोड़ा सा मतलब पता नहीं कितना, हम जब भी बोलते हैं ऐसा करेंगे वैसा होता नहीं है, तो बस आपको व्लॉग दे देंगे। ओके, कैसा रहेगा वो आप खुद देख लेना। ओके, और ये वाला व्लॉग कैसा था वो भी आप कमेंट में बता दीजिए कि कैसा था। अच्छा लगा तो लाइक, बुरा लगा तो डिसलाइक, और चैनल पर न तो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको बहुत जल्द न्यू व्लॉग में।